जी देखिए, आज जो हमारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन था चुनाव से तुरंत पहले, कल हमारे तमाम पांचों जो निर्दलीय हमारे साथी लड़ रहे हैं और दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस जिन पांच हमारे कैंडिडेटों को इस चुनाव में दिल्ली से समर्थन दे रहा है उनके चुनाव चिन्ह कल आए, नॉमिनेशन हमारे एक्सेप्ट हुए, चुनाव चिन्ह कल मिल गए। तो आज ये चुनाव से पहले की प्रक्रिया, कल हम जाएंगे चुनाव प्रचार में और कल से हमने उसकी रणनीति तय की है कि हम किस तरह चुनाव प्रचार में जाएंगे, क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ, चरण सिंह बबरीक हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली से, सुरेश कुमार हैं नई दिल्ली से, डॉक्टर राजकुमार ढींगिया हैं पूर्वी दिल्ली से, मुन्ना लाल उर्फ मोहित जैदिया हैं चांदनी चौक लोकसभा से, अनिल कुमार यादव जी हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से। ये पाँच और ठेला हमारा, ये ठेला हाथ ठेला, ये हमारा चुनाव निशान है, पांचों पे कॉमन हमारे साथियों को मिला है। तो ये इसलिए हमने अपने साथियों को बुलाया था, जो तमाम हम पिछले काम मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे तमाम सक्रिय साथी 200-250 की संख्या में जो यहाँ पूरी दिल्ली से जो मुख्य हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं चुनाव प्रचार में हैं, साथियों में हैं। तो आज हमने अंतिम रूपरेखा दी है कि हम कल से किस तरीके से चुनाव के मैदान में जाएंगे, क्योंकि अब हमें पूरे कल से और 10 तारीख तक लास्ट चुनाव प्रचार का दिन है, उसके बाद 12 तारीख को वोटिंग है। तो 10 तारीख तक, कल से लेकर 28 तारीख से और 10 तारीख तक की हमने पूरी रणनीति यहाँ पर तय की है कि किस तरह हम जनता के बीच में डोर टू डोर प्रचार के अलावा किस तरह हम रोड शो या पदयात्राएँ करेंगे, किस तरीके से हम और दूसरे डिफरेंट तरीकों से जिसमें पैसा ना लगे या कम लगे, उन सब संसाधनों के तरीके से प्रचार माध्यमों से कैसे हम जनता तक पहुँचें, उसके ऊपर हमने चर्चा की है। प्लस जो हमारे कैंडिडेट हैं, उन कैंडिडेटों को हमने जो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन तय की हैं उनके विषय में उनको हमने आगाह किया है, उनको बताया है कि भाई आप कोई भी इस तरह का काम ना करें जिससे कि कानून किसी भी तरह का कानून का उल्लंघन हो या चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो। और ये तमाम साथी जो हमारे थे सक्रिय कार्यकर्ता थे, महिलाएँ भारी संख्या में आई, नौजवान भारी संख्या में हैं और 5 सीट पर हम 7 में से 5 सीट पर हम लड़ रहे हैं। 1 सीट पर हमारा पर्चा खारिज हो गया था किसी टेक्निकल कारण से, ये पश्चिमी दिल्ली से। तो अभी पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली को छोड़ के बाकी 5 सीटों पे दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के समर्थित कैंडिडेट अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं इस पूंजीवादी और इस मनुवादी निज़ाम के विरुद्ध। ये अपना एक मजदूर वर्ग की मेहनत कश की ये एक पहली चुनौती है। जी सर, अशोक जी दिल्ली में जो वाल्मीकि समाज बड़ा प्रभाव रखता है चुनाव से, क्या सर जो वाल्मीकि मंदिर है क्या वहाँ से समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, हमें पूरे खाली वाल्मीकि मंदिर से नहीं, पूरे देश दुनिया से हमें जो वाल्मीकि समाज और दूसरा मेहनत का समाज है उससे समर्थन लगातार मिल रहा है और ये आगे आने वाले समय में आपको दिखाई देगा, क्योंकि जो चुनाव प्रचार में जो पूरे NCR और दिल्ली पूरे भारत के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने को हमसे स्वयं कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आगे प्रचार करेंगे, वो तो आपको दिखेगा। दूसरी बात, सवाल ये है कि ये किसी मंदिर मस्जिद का संघर्ष नहीं है और ये किसी मंदिर से आशीर्वाद लेने का, किसी मंत ने अगर कोई हमारा विरोध कर रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध पक्ष में ले रहा है, तो उसकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है, हमारा उससे हमें कोई ज़्यादा ना तो चिंता की बात है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है उन लोगों की है जो मेहनत करके खाते हैं, जिनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिनको कि आज 70 सालों के बाद, आज़ादी के 70 सालों के बाद भी उनको इतनी पगार नहीं मिल रही है जिससे अपने बच्चे पाल सकें, अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दिलवा सकें, अपने एक खूबसूरत जीवन जी सकें। डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 43 या 44 में उन्होंने दिया लिविंग वेजेस का प्रावधान करके गए हैं। आज तक ये सरकारें, कांग्रेस बीजेपी की रही हैं इस देश में, ये सरकारें आज तक लिविंग वेजेस को तो छोड़ दो, मिनिमम वेजेस को भी लागू नहीं करवा पाई हैं, जो मिनिमम वेजेस बाबा साहब 1948 में जो कानून बना के गए थे, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, उसमें प्रावधान थे कि महंगाई के आधार पर लगातार 6 महीने में डी आना चाहिए और लगातार इनकी जैसे जैसे महंगाई बढ़े और जो इनकी वेजिस, जब महंगाई बढ़ेगी जो करंट वेजिस है वो गिरेगा, उसके वैल्यू गिरेगी, तो उनको उस हिसाब से भत्ता देना था, उसकी वेज रिवीजन करना था, वो भी नहीं किया और जो किया भी है थोड़े बहुत अनाउंस भी हैं तो वो भी लागू नहीं है। तो हमारी जो लड़ाई है उस मिनिमम वेजिस को, संवैधानिक लड़ाई है, मंदिर की नहीं है। अगर कोई मंदिर का महंत अगर किसी पार्टी के किसी चक्कर में पड़ के उसको अगर वो दे देता है समर्थन, तो हमें उससे ना भयभीत होने की जरूरत है ना ही हमें कोई चिंता की जरूरत है, क्योंकि मेजोरिटी 90% लोग जो मेहनत करते हैं वो DD अलायंस के साथ खड़े हैं और वो हमें दिखाई दे रहा है, डे टू डे दिखाई दे रहा है हमें। अशोक जी, जो आपके सामने पार्टी मुकाबला कर रही है उनके पास बड़े संसाधन हैं, लेकिन आप उनके सामने कुछ भी नहीं, कैसे फाइट करोगे?
देखिए ये मैंने अभी अपने स्पीच में भी कहा कि जो इन्होंने हवा खड़ा किया हुआ था इन बड़ी पार्टियों ने, ये हवा इसलिए खड़ा किया हुआ था चुनाव ना लड़ने का पे पीछे जो आम जनता की जो कारण था कि चुनाव का नाम लेते डरने लगते थे भाई 5 करोड़ 10 करोड़ कहाँ से आएगा, मसल पावर, फलाने पावर, डिगड़े पावर। तो हमने उसको भी चुनौती दी है कि जो बाबा साहब का असली डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि जनता की लड़ाई जनता के चंदे से, जनता का संघर्ष जनता से, तो वो हम लेकर के आ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में। और हमारे 5 कैंडिडेट की जो जमानत राशि भरी गई है, आप इसमें ताज्जुब में रहेंगे कि हमने जनता से मांग करके उसको भरी है। और जो भी आज तक की कार्रवाई हम करते आ रहे हैं जनता से, हम 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये मांग करके हम उसको करते आ रहे हैं। और ये चुनाव हम बता रहे हैं, हम लड़ रहे हैं कि बहुत आसान चुनाव है, चुनाव लड़ना बहुत बेहद आसान है। ये मुश्किल इन्होंने इसलिए बनाया है कि इन पूंजीवादियों की मनुवादियों की सत्ता कायम रहे और जो आम गरीब इंसान है, जो मजदूर, हम जैसा ट्रेड यूनियन लीडर जो मजदूरों के लिए काम करता आ रहा 30 साल से, जो आदिवासियों के लिए काम करता आ रहा है, जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करता हुआ आ रहा है और इतने बहुमत लोगों के लिए काम कर रहा है, पैसे के कारण भाग जाए मैदान छोड़ के, जो उनका रास्ता खुला रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमने कहा कि हम लड़ेंगे, हमें तो पैसे की जरूरत नहीं महसूस हो रही, हम जहाँ जा रहे हैं लोग उल्टा हमें खाना खिला रहे हैं, हमें चाय पिला रहे हैं, खुद मीटिंग कर रहे हैं, तो हमें और पैसे भी दे रहे हैं, हम झोली फैला रहे हैं पैसे भी दे रहे हैं, तो हमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ रही है पैसे की। तो ये भी हम तोड़ रहे हैं, ये जो हमारी दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस का मिशन है, ये भी है असली लोकतंत्र को स्थापित करना, असली लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचाना, ये भी हमारा मिशन का हिस्सा है जिसमें हम सफल हो रहे हैं। बात करते हैं कि कांग्रेस ने भी लंबे समय तक राज किया, बीजेपी ने भी राज किया, आम आदमी पार्टी ने भी, जो चल रही है स्थिति हाल फिलहाल अपने जो वाल्मीकि समाज के लोग वहीं के वहीं हैं, जिनको रोजगार भी नहीं मिल पा रहा, बोलते थे स्पीच अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं रोजगार मिलेगा ये मिलेगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आज जो DDA पार्टी है वो क्या करेगी? देखिए रोजगार अगर मिला होता तो शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते, रोजगार नहीं है और जो हैं भी वो भी ठेके पे कर दिए, उनको भी वो एवजीदार के रूप में काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं, डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। और अब तो और भी भयावह स्थिति हो रही कि रोजगार इन्होंने पूरी तरह बंद कर दिए हैं, रोजगार है ही नहीं। तो इसीलिए तो DDA अलायंस का जन्म हुआ है कि जब रोजगार नहीं है और जो हैं भी तो उनके उनके वेजेस नहीं मिल रहे हैं पूरे, उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अभी एक हमने केस अभी हमने जीता है, अभी वो भी क्या जीता है, डायरेक्शंस करवाए हमने रेल बोर्ड से, 1 लाख रेल कर्मचारी, ठेका रेल कर्मचारी को उससे फायदा होने वाला है, परमानेंट तो होंगे नहीं लेकिन उनका इतना शोषण हो रहा था, 24 घंटे वो काम करते थे 5,000 रुपये वेतन पे, ना उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा था कानून के आधार पे, ना उनको कोई ओवरटाइम मिल रहा था, ना उनकी वेजेस मिल रहे थे। तो हमने लगाया था दो महीने पहले उनकी ये मूवमेंट चलाई थी और आज हमें रेल बोर्ड से ऑर्डर आ गया है कि अब जिसको 5,000 वेतन मिल रहा था उसको 20,000 वेतन अगले महीने से मिलेगा, 1 लाख ठेका कर्मचारियों को हमारी इस मूवमेंट से फायदा होगा। तो हम तो दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस लोगों के रोजगार की काम कर रहे हैं, उनके वेतन बढ़ोतरी की काम कर रहे हैं, हम आदिवासियों की जमीन छिन गए उनके मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, हम तमाम एट्रोसिटीज़ के विरुद्ध, अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो वो घटनाएं हो रही हैं, एट्रोसिटी हो रही हैं, उनके विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई ऑलरेडी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज चुनाव आया तो हम एक अलायंस बना करके हमने 5 आदमी खड़े कर दिए, हम पिछले 30 साल से लड़ रहे हैं और पिछले 3 साल में 30 साल से लगातार लड़ रहे हैं और पिछले 3 साल में हमने आदिवासियों के, रेल कर्मचारियों के और हमने अपने एट्रोसिटीज़ के ऊपर, हमने SC ST के लिए बहुत सारे युद्ध जीते हैं कानूनी तरीके से। तो इसलिए हम वो बता रहे हैं लोगों को कि भाई हम अगर कोई ना तो एक इलाके गांव के प्रधान भी नहीं है, उसके बाद तुम्हारी इस कानून के माध्यम से इतने काम कर दिए, अगर आप हमारे लोगों को अगर संसद पहुंचाओगे तो तब समझो कि कितना और हम काम करेंगे। अगर आप हमें संवैधानिक पत्र भेजोगे, हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हम ऐसे नहीं खड़े होंगे कि हम वाल्मीकि जी और तुम भी वाल्मीकि वोट डाल दो, इस कहानी में नहीं आए, हम काम कर रहे हैं। और जो लोग संसद विधानसभाओं में बैठे थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, हम उनसे मांग रहे हैं, जो हमारे सामने चुनौती पेश कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के नाम पर, होने के नाम पर, हम उनसे पूछ रहे हैं भाई 10 साल आप विधायक थे, आपने क्या काम किया, डिटेल दे दो, हम उसी समय विड्रॉ हो जाएंगे कि आपने क्या काम किया सफाई कर्मचारियों के लिए, क्या काम किया आपने वाल्मीकि समाज के लिए, आप वोट तो मांगते रहे। 131 लोग SC ST के बैठे रहे पूरे 5 साल संसद में, बाबा साहब ने जो रिजर्व कराई थी 131 अलग अलग पार्टियों से चुन के आए हुए, जब हम ऊना में पिट रहे थे तो एक की आवाज़ नहीं निकली, जब हमारा SC ST एक्ट छीना जा रहा था एक की आवाज़ नहीं निकली, जब हमारा ये 10% जनरल का संविधान संशोधन हुआ तब एक की आवाज़ नहीं निकली, और लड़ कौन रहे, मनोज झा लड़ रहे हैं, लड़ कौन रहे, OBC लड़ रहे हैं। तो 131 को हमने कहा ये गुलाम नहीं चाहिए,
अब आजाद 131 सांसद भेजेंगे, आजाद शेर भेजेंगे, जो अपने अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के लिए वहां पर मैदान में खड़े होकर वहां वो संसद में चिल्लाए, और हम जैसे लोग जो समाज सेवी हैं, ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, हम उनको सपोर्ट देने के लिए हम संसद के बाहर मैदान में खड़े होकर युद्ध लड़े, जिससे कि हमारे अधिकार ना मारे जाएं। ये लड़ाई है डीडीए की। आप पहले से बयान देते आए हैं कि अगर बीएसपी हमसे गठबंधन करते हैं हम तैयार हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में कि जनरल सीट पर बीएसपी ने एक वाल्मीकि को टिकट दिया, तो क्या उसका प्रभाव डीडीए पर पड़ेगा? सर ये देखो बड़े दुख की बात है, ये मैं पिछले जब से हमने मूवमेंट शुरू किया, पॉलिटिकल मूवमेंट पिछले 24 मार्च 2018 से हमने शुरू किया, और पहले ही दिन से ऑन रिकॉर्ड है, पहले ही दिन से हमने ये कहा कि भाई दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में बीएसपी का खाली 1% वोट बचा है, वोट नहीं है दिल्ली में, तो हमने कहा कि हमारी अगर गठबंधन किसी के साथ हो सकता है तो खाली बीएसपी के साथ, और हमने पूरे कोशिश की इस पूरे एक साल के भीतर कि हम बहन जी से अपना पैगाम पहुंचाए, हम राजभर साहब से भी मिले पार्लियामेंट में जाके उनके ऑफिस से, और भी बीएसपी के बहुत सारे नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की भी, हमने मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बातें पहुंचाई कि दिल्ली में अगर बीएसपी और अगर डीडी अलायंस मिलकर के लड़ ले तो 7 सीटें हम बहन जी की झोली में डाल सकते हैं, 4 आप ले लो, 3 हमें दे दो, हम मिलकर के लड़ेंगे, 4 हम 7 सीटें जीतेंगे, मगर वहाँ हमारी कोई बात नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे अफसोस कहना पड़ा, हम बुलंदशहर की एक सीट लड़ रहे थे पूरी ताकत से, हम इतना प्रचार था हमारा वहाँ पर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब हमें लगा कि महागठबंधन हो गया है, एसपी और बीएसपी का गठबंधन हो गया, हमने तुरंत वो सीट छोड़ दी, क्योंकि हमने कहा कि एक वोट भी हमारी वजह से अगर कटा तो अब वो हम विभीषण नहीं कहलाना चाहते, बीएसपी को नुकसान ना हो, हमने तुरंत छोड़ दी। लेकिन बीएसपी ने यहाँ पर एक वाल्मीकि समाज को जनरल पे सीट दे दी, कितने दुख की बात है। हम बीएसपी से अब सवाल करना चाहते हैं, बीएसपी बताए कि कितने उसने वाल्मीकि समाज को आज तक सीट, जनरल तो छोड़ो उसमें एससी सीटों पर कितनी टिकट दी उत्तर प्रदेश में, हमें बताए अब रिकॉर्ड, ये बिल्कुल हद है। हम तो कह रहे हैं हम अपने भाइयों के साथ दोस्ती हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, और आज हमारे पीठ में छुरा घोपा, हम ये कहेंगे बीएसपी ने, हम चिल्लाते आ रहे हैं कि हम बीएसपी के साथ गठबंधन करेंगे, हम चाहते कह रहे हैं कि दिल्ली में हम बीएसपी को ताकत में लाएंगे, लेकिन बीएसपी हमारे अलायंस के साथ, हमारे उस वाल्मीकि समाज के साथ धोखा कर रही है, उसको जनरल सीट पे वाल्मीकि को लड़ा कर क्या मतलब है ये। पहले बीएसपी रिकॉर्ड दे कि पिछले इतने सालों में जब से बीएसपी का जन्म हुआ है कितने अनुसूचित जाति एससी एसटी सीटों के ऊपर बीएसपी ने टिकट दिए हैं, उनको बताया हमें, एक भी नहीं दिया। और आज जब वाल्मीकि समाज खड़ा हो रहा है तो वहां पर एक जनरल सीट पर दिल्ली में वाल्मीकि समाज के आदमी को टिकट दे दिया, तो कितनी अजीब बात है, कितनी खराब बात है कि नहीं है। तो हम इसका हम विरोध नहीं करेंगे लेकिन निंदा करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपने उसमें लोकतंत्र में रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज पार्टी हो दे सकती है, मगर हम उसकी निंदा करेंगे कि ये स्टेप बीएसपी का ठीक नहीं था किसी भी तरीके से। हम लगातार बात कर रहे हैं, हमसे बात कर लेते हम, वो या तो हम सीट छोड़ देते ऑलरेडी और उल्टा उनको ताकत मिलती, हम छोड़ देते ना, हमसे बात करते पहले, हम 1.5 साल से लगे हुए हैं, क्यों नहीं बात की हमसे। और आप जब हमारा चरम पर मूवमेंट है, आखिरी समय पर 23 तारीख को टिकट दे रहे हैं उसको, और यहाँ पर कांग्रेस हमारे साथ धोखा कर रही है। कांग्रेस बताया हम 70 सालों में कब उन्होंने इस उत्तर पश्चिम सीट से वाल्मीकि समाज को टिकट दी है, और जब डीडी अलायंस के कैंडिडेट जब 1 साल से मेहनत कर रहे हैं वहां पर, तो एंड टाइम पे राजकुमार चौहान का काट करके टिकट खटीक समाज के उसका वाल्मीकि समाज को एट ए टाइम दे दिया, ये क्या हमारे साथ धोखा। बीजेपी ने कभी टिकट नहीं दी इस सीट पे, अचानक बीजेपी ने भी उतार दिए कंसरा एजेंसी को, तो ये इस गरीब वाल्मीकि समाज के साथ, इस सफाई कर्मचारी समाज के साथ जो सदियों से शोषित पीड़ित है अपमानित है, उसके साथ धोखा है इन पार्टियों का। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इसके पूरी तरह से हम इनके विरुद्ध लड़ेंगे, डट के लगे रहेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से चुनौती पेश करेंगे। जनता को क्या कहना चाहेंगे, अभी अपना आखिरी सवाल है, जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि वोटिंग किस चीज को करें आप? देखिए दिल्ली, हम दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के 5 समर्थित हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका हमें चुनाव चिन्ह है, हमारा ठेला, हाथ का ठेला, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, ये हाथ का ठेला, ये एक कॉमन चुनाव चिन्ह हमें मिला है, इत्तेफाक कह लीजिए जैसे भी कह लीजिए, 5 सीटों पर हमें मिला है, हमारे निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और उन 5 को इस ठेले के ऊपर, 5 जो हमारी सीटें हैं उस पर इस ठेले के ऊपर बटन दबा करके ठेले के निशान के उस पर आप अपना वोट कास्ट कीजिए इन तमाम साथियों को। और स्पेशल वाल्मीकि समाज से मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे
कि भैया सफाई कर्मचारी समुदाय और वाल्मीकि समाज से कि ये जो जीतने हारने का सवाल नहीं है, ये सवाल है आपकी एकता और शक्ति प्रदर्शित करने का, आपकी गिनती प्रदर्शित करने का, जिससे कि आपके अधिकार मिले। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इस चुनाव में एक तरफा इस ठेले के ऊपर अपना बटन दबाएं और अपनी गिनती करवाएं इस लोकतंत्र